हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे अगर आपके घर या दुकान में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा हुआ है और उसकी पूरी एक्टिविटी को आप जानना चाहते हैं कि हमारी डेली जो है कितना कंजप्शन हो रही है और हमारे कितने बैलेंस है और हम कैसे जो है अपने बिजली स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करेंगे ऑल एक्टिविटी के लिए, जो है आपके पास जो है बिहार ऊर्जा स्मार्ट मीटर ऐप होनी चाहिए जिसपे आप पूरी एक्टिविटी को देख पाएंगे, बैलेंस देख पाएंगे, कितना हमारी कंजप्शन पर डे है वो सारी एक्टिविटी जो है आप देख पाएंगे। बात करेंगे बिहार ऊर्जा स्मार्ट मीटर ऐप को कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे सारी एक्टिविटी को जो है यहाँ पे देख पाएंगे, कैसे हम रिचार्ज करेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। आप बिजली विभाग से रिलेटेड इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी अगर चाहिए चैनल पहली बार विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और हमारी प्लेलिस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी बिजली के नाम पे बनी हुई है जिसपे आप जाके वीडियो जो है कैसे कनेक्शन करते हैं, कैसे मीटर लगवाते हैं, कैसे बिल सुधरवाते हैं, कैसे आप लाइन कटवाते हैं, कैसे एप्लीकेशन लिखते हैं, सारी डिटेल्स वीडियो बनी उस पर जाके आप वीडियो देख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। बात करेंगे बिहार ऊर्जा स्मार्ट मीटर ऐप को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपली जो है आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है, सर्च बटन में लिखना है बिहार ऊर्जा स्मार्ट मीटर और सर्च पे क्लिक करेंगे तो देखिये इस तरह का बिहार ऊर्जा स्मार्ट मीटर ऐप जो है होती है, इसको इंस्टॉल करना है। हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का जो है एसबी। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन इस तरह से मिलते हैं, इस पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करना है, फिर डन बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे आपको अकाउंट बनाना होता है, अगर आप पहले से अकाउंट बना लिए हैं तो यहाँ पे कंज्यूमर आईडी या मोबाइल नंबर और जो आप पासवर्ड बनाए हैं अकाउंट बनाने के समय में वो पासवर्ड और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालकर लॉगिन करके सारी एक्टिविटी को आप देख सकते हैं। अगर आप अकाउंट नहीं बनाए हैं तो यहाँ पे डाउन में आपको साइन अप का बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पे कंज्यूमर नंबर जो होता है वो आपको इंटर करना है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक ओटीपी चला जाएगा। अगर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जो दिया हुआ है बिल में वो बंद हो चुका है या कोई आप दूसरा मोबाइल जो है ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसमें अकाउंट जो है आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल है बिल में उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी जो है आप यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तभी इसमें अकाउंट बन पाएगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है बिल में वो बंद हो चुकी है या वो अनअवेलेबल है, ये गलती है, तो उसको जो है आप अपडेट जरूर करवा लें। कैसे अपडेट करना है उसके बारे में भी डिटेल जानकारी आपको बताते हैं। देखिए मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको कहीं भी भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे जो है यहाँ पे देख सकते हैं। हर घर बिजली की वेबसाइट पे जाएंगे, होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मौजूदा मोबाइल नंबर अपडेट करने का लिंक मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे सर्वर एरर आ रही है, तो आपको एक और ऐप के बारे में हम बताते हैं, वो ऐप आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से ही, सुविधा ऐप देख सकते हैं, सुविधा ऐप आपको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आप डाउन में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अदर सर्विसेज में, अपडेट ईमेल एंड मोबाइल नंबर, इस पे आपको क्लिक करना है। सिंपली कंज्यूमर आईडी आपको प्रेस करना है और गेट कंज्यूमर डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे गेट डिटेल्स पे क्लिक किया यहाँ पे कंज्यूमर आईडी नेम आ जाता है, यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं न्यू मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे और सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपके मोबाइल पे चला जाएगा। वो ओटीपी जो है यहाँ पे आपको इंटर करना है और जिसके नाम पे जो है आपका बिजली कनेक्शन है उसका एक आईडी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। आईडी प्रूफ में जो है आप पासपोर्ट दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, बीपीएल कार्ड दे सकते हैं, तो एक आईडी प्रूफ आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा जिनके नाम पे बिजली कनेक्शन है। और उसके बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं
फ्रंट आईडी अपलोड करने का और सेकेंड आईडी अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है और सिंपली अप्लाई बटन पे क्लिक कर लेंगे। सिंपली जो है यहाँ पे आईडी आप जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे टेक फोटो, फोटो लेना है, जैसे करेंगे यहाँ पे फोटो लेने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर देंगे फोटो बैक एंड फ्रंट का और उसके बाद अप्लाई बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो है 24 घंटे के अंदर जो है मोबाइल नंबर जो है एक्टिवेट कर दी जाती है। अब एक दो घंटे में भी 5-10 मिनट में भी यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है अपडेट हो जाती है। तो इस तरह से आप मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं घर बैठे। और यहाँ पे फिर आप जो है बिहार ऊर्जा स्मार्ट मीटर ऐप में जो है आप अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट बनाने के लिए सिंपली जो है यहाँ पे कंज्यूमर आईडी जो है यहाँ पे आपको इंटर करना है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल के नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, एक रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी आपको इंटर करना होगा और यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस जो है यहाँ पे खुल जाएंगे। वो ऑप्शन जो है आप फिल करके सिंपली जो है अकाउंट को क्रिएट करके सारी एक्टिविटी को आप चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है जिसकी मदद से जो है बिहार ऊर्जा स्मार्ट मीटर ऐप में जो है आप अकाउंट बनाएंगे और सारी एक्टिविटीज को चेक कर पाएंगे। अगर आपका जो बिल में जो है जो नंबर है वो बंद है या आप नंबर चेंज करवाना चाहते हैं तो आप हर घर बिजली के वेबसाइट पे या ऐप में जाके जो है आप उसको घर बैठे जो है आप मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। अगर आपको स्मार्ट मीटर से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके वो सारी एक्टिविटी जो है घर बैठे जो है कर पाएँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।